कानपुर नगर से है। उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का द्विवर्षीय अधिवेशन हुआ संपन्न। प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ एवं उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्री एसोसिएशन का द्विवर्षीय अधिवेशन लोक निर्माण विभाग परिसर में स्थित डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन सिविल लाइन कानपुर में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में प्रदेश के समस्त जनपदों से चतुर्थ श्रेणी लिपि संवर्ग एवं डेली वेजेस तथा वर्क चार्ज कर्मचारियों तथा केंद्र सेवा संघों के विशेष आमंत्रित नेताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में विशेष रूप से पुरानी पेंशन बहाली, संविदा एवं आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किए जाने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर नियुक्त तथा डेली वेजेस एवं वर्क चार्ज कर्मचारी जिन्हें नियमित किया गया है, जोड़ते पेंशनरी लाभ दिए जाने का मुद्दा उठाया है। कर्मचारी नेताओं ने इन मुद्दों पर निर्णायक संघर्ष की रूपरेखा तैयार करने पर सहमति व्यक्त की है। हड़ताल रहता है, मैं अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी कर्मचारी की ओर से आपके महासंघ को पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है और भोजनकालों को भी आपका इंतजार है। मैं अपनी बात नहीं कहूँगा ज्यादा, लेकिन इस अग्रवाल है, मैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का कानपुर जोन का मंडल अध्यक्ष हूँ। कर्मचारी महासंघ का जो आपकी बैठक है, इसके मुख्य बिंदु क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ एवं उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन का ये राज्य सम्मेलन हो रहा है। इसमें जो है 75 जनपदों से कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित है और हम लोग आपस में वार्ता कर रहे हैं कि हम लोगों को बहुत वेतन में जो विसंगतियाँ हैं, हमारी पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हो रही है, हमको मिनिमम 26,000 वेतन नहीं मिल रहा है, कनिष्ठ सहायकों को 2,800 मिनिमम वेतन नहीं मिल रहा है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की पदनाम जो है वो सज्जित नहीं हो रहे हैं। इससे हमारे कर्मचारी बहुत दुखी हैं, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, कर्मचारी बहुत परेशान हैं। इसमें हमारे सेंट्रल के, रेलवे के, बीमा के, बैंक के, इनकम टैक्स से, HMS से, सब BSNL से यहाँ बहुत से पदाधिकारी उपस्थित हैं और हम सब लोग सेंट्रल और स्टेट के कर्मचारी मिलकर हम लोग आपस में वार्ता कर रहे हैं कि आपस में किस राज्य में, किस में, किस विभाग में क्या विसंगति है, जिसको हम लोग मिलकर दूर करा सकें। संबंधित मामले के लिए आप लोगों ने क्या सूचना उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत और सेंट्रल? हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार को हमने ये सूचना, हमारा 21 मई को हमने ये विज्ञप्ति निकाली थी और वो मैं रजिस्टर्ड पत्र से भेज चुका हूँ सबको। इसके मामले में अभी तक कोई कार्रवाई? हमने अपने कार्यक्रम सूचना सबको दे दी है और अभी मैंने अभी लास्ट में 28 मई को ही मांग दिवस के रूप में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। अभी तक उससे कोई कार्रवाई? अभी उस पर कोई सूचना हमको नहीं आई है। आगे आप लोगों ने क्या रणनीति तैयार की? आगे रणनीति हमारी ये है कि हम लोग जो है शांति मार्च, धर्म आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि हम उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं और हम अपनी पूरी सेवाएं सरकार के प्रति दे रहे हैं। सरकार का यदि कुछ लॉस हमसे हो रहा है, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, वो भी हम अधिक से अधिक दिलवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं उसके साथ साथ हम लोगों की भी महंगाई को देखते हुए वेतन भत्ते पेंशन इत्यादि की मांगें पूरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।